हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं आई हूँ पालमपुर अपने नाना के घर पे। तो किस लिए आई हूँ, क्योंकि कल जो है नाना को गुजरे पूरा 13 दिन हो जाएगा, तो यहाँ पे छोटा सा एक मतलब पूजा रखी हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और बस में ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। गोलू पर्स है मेरा वहाँ पर, तो बस में ना थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और अभी हम कर रहे हैं ऑटो का वेट, इस लड़के के पास ना ज़्यादा बात है। तो अभी हम कर रहे हैं ऑटो का वेट और ऑटो में जाएंगे हम नीचे घर तक। और फिर मैं और कुणाली आए हैं, कुणाल के पापा नहीं आए हैं, वो गए हैं मनाली। कल रात को वो आ गए थे, उसके बाद फिर गाड़ी का काम था और वो फिर चले गए हैं मनाली। तो अभी चलते हैं घर की ओर, क्योंकि पूरी तरह से थक चुके हैं बस में, और काफ़ी टाइम के बाद जो है बस में सफ़र किया ना, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बस उल्टियाँ निकली नहीं है, लेकिन तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अभी चलते हैं घर की ओर। और ये है यहाँ का व्यू, और यहाँ पे है कुणाल। नमस्ते जी, हेलो, हाय। और अभी ऑटो का वेट कर रहे हैं, फिर घर चलते हैं। तो अभी हो रहे हैं टाइम 4:15, और हम काफ़ी टाइम पहले यहाँ पहुँच गए थे। और कुणाल करा है यहाँ पे काम, और यहाँ पे लग गया है चूल्हा, 2 चूल्हे बने हैं, बाकी है घर के आगे चूल्हा, वहाँ पे बनाएंगे खाना। और हम पी रहे हैं चाय। और मौसम ना सुबह जब हम आए थे तो बहुत ठंड थी, और अभी काफ़ी गर्मी लग रही है यहाँ पे आके। तो आपसे बाद में मिलते हैं, अभी चाय पी लेते हैं। तो अभी काट रहे हैं हम प्याज कल के लिए, क्योंकि खाना बनेगा उसके लिए प्याज चाहिए, तो अभी प्याज काटते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने थोड़ी देर के लिए, और जो प्याज थे सब्जियाँ थे वो हमने काट लिया, और बाकी बाद में काटेंगे रात को। और ये देखिए यहाँ का, ये पीपल का पेड़, और ये मंदिर, और ये आगे मेरी बहन, और कुणाल और एक और बहन है, वो अभी आ रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर घर है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे बच्चे कच्चे, और यहाँ से जाता है नानी के पुराने घर के लिए रास्ता। ये जो स्मेल आ रही ना, ये जो स्मेल आ रही ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हम पहुँच गए हैं रेलवे लाइन के पास, और इन सबको मैं लेके जा रही हूँ उस सुंदर सी जगह पे जहाँ मैं और पवन आए थे पिछली बार। हाँ जी, और हाँ एक चीज़ बतानी थी मैंने आपको, कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके और लाइफ विद हीना से नाम चेंज करके अब हीना साहिल ब्लॉग कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते थे कि आपके ब्लॉग का नाम क्या है, आपके चैनल का नाम क्या है। तो मैं थोड़ी सी मतलब थोड़ा लंबा हो जाता था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। और ये देखिए रेलवे ट्रैक, और आई 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 पी लिया पूरा, वेरी गुड। ठंडा तो नहीं था? तो अभी चलते हैं, इनको लेके जाते हैं सुंदर सी जगह पे जहाँ मैं और पवन पिछली बार आए थे, और आपको भी मैंने दिखाया था, तो आज फिर से दिखाते हैं आपको वो सुंदर सी जगह। तो अभी शाम के हो रहे हैं 6:06, चलिए। तो ये लो जी, हम पहुंच गए हैं उस सुंदर सी जगह पे, आपको फिर से दर्शन करवाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, मेरा तो ना फेवरेट बन चुका है ये जगह। और इन लोगों को मैं ही लेकर आई हूँ, मैंने कहा चलो तुमको दिखाते खूबसूरत सी जगह। और मौसम ख़राब होने की वजह से दौलादार की रेंज अभी दिख नहीं रही है, थोड़ा आगे से दिखते शायद दिख जाए। ये देखिए कितना सुंदर है, और यहाँ पे बहुत सारे कौवे हैं, शायद यहाँ पे कुछ इनके लिए कुछ हो सकता है। मौसम ख़राब है ना, तो मैं तो फिर क्या हुआ, रोड बना दी आ गई। चीको कैसी लगी जगह? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ना।
मुझे पता था तुमको पसंद आएगी, क्योंकि ये जगह मुझे भी काफ़ी पसंद आई है। यहाँ पे साइकिल लेकर आएंगे फिर चलाएंगे। कौवे क्यों आए इतने सारे यहाँ पे? और ये रही मैं, और यहाँ पे ना मेरे पीछे ये सिर्फ कौवे नहीं है, ईगल भी साथ में है इनके। देखिए कितनी सुंदर जगह है, आप भी बताइए कि आपको ये जगह कैसी दिखी। तो यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट और यहाँ पे हो रहा है खाना पीना। मम्मा ये क्या सुखा रहे हैं, मैं इनको खा लूंगा। छी गंदी बातें करता है। कुछ है वहाँ पे मत देना इसको एक भी सिप। चिकू नहीं बेटा बीमार हो जाओगे फिर। तो फिर अच्छा सुनना होता है। और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, इतनी अच्छी वाली, बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फसलें लहरा रही है। और यहाँ पे ये तीनों लहरा रहे हैं। अब चलते हैं घर की तरफ। तो अभी जो है सनसेट हो रहा है और अभी चलते हैं घर की ओर। और यहाँ जा रहे हैं सब आगे आगे और मैं पीछे पीछे। और यहाँ पे ना सब जगह पे टमाटर लगाएंगे लोग, नेपाली लोग आए हैं यहाँ पे तो टमाटर लगाएंगे। तो हम ना ये रेलवे ट्रैक है और हम यहाँ से होके इसके ऊपर चढ़ के स्कूल जाते थे यहाँ से नीचे को। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। और नीचे है रेलवे ट्रैक, अगर ऊपर से गिरे तो सीधा नीचे। तो जब शुरू में हम स्कूल जाते थे ना तो पहले हम इस चादर के अंदर पाँव रख के जाते थे, यहाँ पे पाँव रखते थे फिर उसको लांग कर फिर वहाँ पे। लेकिन फिर बाद में हम प्रो हो गए थे, फिर हम जो है इसके ऊपर, मतलब जैसे एक पाँव यहाँ पे फिर एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे और एक वहाँ पे रख के जाते थे। लेकिन अब तो ना चक्कर ही आ रहा है। चलो चलो, अरे छोटा सा मेंढक। अरे चीका मैं वीडियो बना रही थी, छपा चलो। हाँ चलो, हाँ चली गई चलो। और ये देखो ये घर भी सुंदर है, बड़े सुंदर सुंदर घर है यहाँ पे। पीछे तो वो भी कितना सुंदर था ना, कहाँ पे पीछे? हाँ उसको तो मैंने दिखाया था ना, ब्यूटीफुल। तो ये देखिए, एक पहले जो पुराने घर होते थे ना वो इस टाइप के होते थे, लेकिन अब इसको जो है गौशाला बना दी गई है। और इस तरह के घर भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अभी ये फ़िलहाल इन सर और मैडम का घर। अभी हम पहुंच गए मंदिर के पास और नवरात्र है तो मंदिर को कुछ इस तरह से सजाया हुआ है, आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। हाँ जी, तो अभी हमारी बहन ने बनाई है मैगी और ये देखिए सब मैगी खा रहे हैं और हम भी खाएंगे मैगी बाहर जाके चूल्हे के पास बैठ के खाएंगे मैगी। तो यहाँ पे है चीको जो मैगी खा रहा है, सब अपने अपने रूम में बैठे हैं, अलग अलग रूम में। तो अभी खा रहे हैं मैगी चूल्हे के पास बैठ के और यहाँ पे मम्मा रोटी बनाएंगे। तो अभी हो रहे हैं रात के 10:45 और अभी हम सोने वाले हैं। और इस ब्लॉग की मैं यहीं पर एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।